हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आज भिडियो में इंग्लिश रो मोस्ट इंपोर्टेंट 25टा क्वेश्चन डिस्कस करवा, जोटा कि आप फॉरेस्ट गार्ड, लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर पर बहुत इंपोर्टेंट हम वही मॉक 50 नोट। ओके, तो चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हूँ आज द स्कूल इज नॉट डैश फ्रॉम द लास्ट वन। है मैंने कौन कही ना, जो स्कूलटा अच्छी है से स्कूलटा जो लास्ट वन थी शेषटा थी ताठू टी कौन अच्छी, एनी डिफरेन्स मैंने अलग है अलग ना, तो कौटा लगे एनी डिफरेंस, डिफरेंस एनी डिफरेंस ना मोर डिफरेंट। तो राइट आंसर होगी हमरो एनी डिफरेंट मैं कौन ना, द स्कूल इज नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन, मैं जो शेष स्कूलटा थी ताठू कि अलग नुह। एनी कहीं लगे ना, देखो डिफरेंट हूँ गोटे एडजेक्टिव, आई आमको गोटे एडजेक्टिव दरकार, एनी हूँ डिटरमाइनर, एनी हूँ कौन, एनी हूँ डिटरमाइनर। ओके, तो कौन सी भी एनी मैंने कौन सी भी अलग ना। ओके, मैंने कौन सी जिनस अलग ना। तो राइट आंसर होगी हमारे ऑप्शन सी एनी डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट है डैश टू आवर सरप्राइज दे एक्सेप्टेड आवर ऑफर, माने डैश टू आवर सरप्राइज माने हमारे सरप्राइज को डैश है से माने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करी। ओके, कौन लगे सम फ्यू मेनी ना मच। तो राइट आंसर हमारे जो होती मच लगे मच टू वन है मच टू आवर वन मैंने गोटे इडियम अटे है से मच लगे ये मस्ट टू आवर सरप्राइज दे एक्सेप्टेड आवर ऑफर। तो राइट आंसर होगी ऑप्शन डी। ओके, मच टू आवर सरप्राइज मैंने आम जो सरप्राइज को बहुत अधिक मात्रा रे से माने हमरो ऑफर को ग्रहण कले। नेक्स्ट है आमर वी हैव डैश लॉन्ग वीकेंड एहेड मैंने एहेड मैंने आगको आमर बहुत लंबा वीकेंड आसूची है मैंने गोटे लंबा वीकेंड अच्छी ये डैश जगार फिल्ड जगार ब्लैंक जगार कौटा लगे वी हाव ए हम एन हम दी हम ना कौन भी आर्टिकल लगे ना। तो राइट आंसर होगी आम कौटे लगे ए लगे वी हाव ए लॉन्ग वीकेंड ए मैंने आगे आम गोटे लंबा वीकेंड आसूची अच्छे है ये कहीं लगे ए देखते गोटे इंडेफिनेट आर्टिकल लंगटा लंग वीकेंडा मैंने के लंबा जो जानी आमको स्पेसीफिक है तो सही जो ए लगे। ओके, नेक्स्ट है आमर डिड यू भिजिट डैश नेहरू प्लानेटोरियम इन दिल्ली है दिल्ली में जो नेहरू प्लानेटोरियम अच्छे से ही जगह को तुम्हें केवे बुलवाक जा कि पचार जगह विजिट डैश नेहरू प्लेस जगार कौ कौ आर्टिकलटा लगे ए एन दी ना नो आर्टिकल। तो राइट आंसर होगी आम कौ आर्टिकल लगे दी लगे दी कहीं ना स्पेसीफिक कर दिल्ली कौटे नेहरू प्लानेटोरियम कही है तो से डिड यू विजिट द नेहरू प्लानेटोरियम इन दिल्ली। ओके, तो राइट आंसर होगी ऑप्शन सी दी लगे। नेक्स्ट है आम इफ यू हैड कनसल्टेड मी माने तुम्हें जब मोर कनसल्टेंट कनसल्ट होता मैंने मत जब आदेश मागी था कौन सी परामर्श मागी था आई वुड हैव डैश यू माने आई वुड हैव मु तुमको दे था है ये इफ क्लोज लगी तो कौटा ही था एडभाइजिंग एडभाइजेस एडभाइज ना एडभाइज। तो राइट आंसर होगी इफ लगे जब हेड लगे आई वुड हैव जगह ये थार्ड फॉर्म हुए सब ऑलवेज। ओके, तो ये हो इफ यू हैड कनसल्टेड मी आई वुड हैव एडभाइज यू ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। ओके, यू मन रखी ने आई वुड हैव जबर एडभाइज लगे भारत थार्ड फॉर्म हुए। नेक्स्ट है आमर द एलईज एलईज मैंने कौन मैंने दुई तीन जन जब मिसी जाते आम एलईज बोली कहूँ समूह बोली कहे। ओके, द एलईज डैश द वार इन 1945 है मैंने जो एलईजा थी समूहटा थे जो दुई तीन जन मिसिक युद्ध करुले है से 1945 मसीह युद्ध को कौन करते जीति थी है कौटा लगे हैव ओन विन वेयर विनिंग ना ओन। तो राइट आंसर होगी आमर कौटा ओन हे जीतिले है ओन मैंने जीतिले मैंने 1945 मसीह टाइम देखिए आमको से ही समय 1945 मसीह से जो मिसिक जो लड़ुले है समूहटा से ही शक्तिटा से मैंने जीतिले मैंने से युद्धटा जीतिले है सिंपली सिंपल पास्ट हम यहाँ जीतिले। ओके, ओन हे द एलिज ओन दि वार इन 1945 आशा कौन सीटा बुझीपारे क्वेश्चनटा। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट सिनोनिम है यार सिनोनिम्सटा आम देखा कह रिल्र स्पिल्र सिनोनिम्स कौन हम फिल्टर ड्रॉप एब्जॉर्ब ना फिदर। तो राइट आंसर होगी आम कौन स्पिल मैंने हूँ मन करते तो गोटे ग्लास अच्छे ग्लास में पा भरले पा जो उछड़ी जो पड़ जाए है पड़वाक आम स्पिल बोली कहे। ओके, तो तार ठीक सिनोनिम्सटा कौन हम ड्रॉप ड्रॉप मैंने भी पड़वा। ओके, स्पिल्र सिनोनिम्स कौन ड्रॉप। ओके, फिल्टर मैंने छाणवा एब्जॉर्ब मैंने शोषी नवा। नेक्स्ट है आमर फ्रूटफुल फ्रूटफुल सिनोनिम्सटा कौन सिनोनिम्स बा प्रतिशब्द प्रतिशब्द आम जहाँ कौन ओडिया है सामान अर्थक बोधक शब्द फ्रूटफुल कौन
जुसी बैरन प्रोडक्टिव ना यूजलेस। तो राइट आंसर होची हमरो प्रोडक्टिव। फ्रूटफुल माने कोन माने कोनो से गुटे जिनिस जदि आपन करूतबे ताको उत्पन्न होतबो बा कृत कार्य होतबे हला सक्सेस होतबो सेटा कोन फ्रूटफुल बोली कहूची। ओके तो ठीक सेमति प्रोडक्टिव होची तारो सिनोनिम्स। प्रोडक्टिव माने कोन फ्रूटफुल माने जो काम करतबो सेटा फ्रूटफुल हमरो रिजल्ट दउतबो बा प्रोडक्टिव हिसाब रे होतबो उत्पन्न होतबो बा उत्पादित होतबो। ओके सेटा को हम कहू फ्रूटफुल रो सिनोनिम्स होची प्रोडक्टिव। यूजलेस माने कोनसी काम रे न आसीबा। ओके नेक्स्ट हला डिले। डिले रो विपरीत शब्द कौन बा एंटोनिम्स कौन वेरी हेस्ट हेस्टी ना नाइस ना स्केयर। तो राइट आंसर होची हमरो कोउटा रे ना डिले बा विलंब करबा डिले माने तार विपरीत शब्द कौन। तो राइट आंसर होची हमरो कोउटा ना हेस्टी हला हेस्टी बा हेस्ट आपण जोटा बोली पढ़ी पारिबे हला हेस्टी माने कौन माने शीघ्र को कोनसी गुटे काम को तरतर हेगी करबा को आमे हेस्टी बोली कहूची। ओके तो डिले रो एंटोनिम्स होची हेस्टी। नेक्स्ट हला एंटायर। एंटायर रो विपरीत शब्दटा कौन पार्शियल कंप्लीट एब्सोल्यूट ना ऑप्शन डी डी देची इक्वल। तो राइट आंसर होची हमरो कौन। तो राइट आंसर होची एंटायर माने मन करंतु एथि गुटेटा जिनिस अछि ई सब जिनिस को हम एंटायर बोली कि कहिबा हला किंतु तार जो विपरीत शब्द कोन बे एई भाग रो भागे हबो तो सेइटा को हम कोन कोची इंग्लिश रे पार्शियल कोची। पार्शियल माने आंशिक भाव रे हला पार्शियल माने किछिटा अंश हला सेइटा को हम पार्शियल बोली कहूची। ओके कंप्लीटा होची तार सिनोनिम्स हे गेला एब्सोल्यूट भी सिनोनिम्स आउ इक्वल माने समान। ओके तो तार राइट आंसर होची हमरो पार्शियल। नेक्स्ट हला सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कोउटा तार स्पेलिंग ठीक अछि हला म्यूजियम रो दैछि कोउटा ठीक अछि ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होची हमरो ऑप्शन सी हला एम यू एस ई यू एम म्यूजियम हला इटा होची म्यूजियम रो करेक्ट स्पेलिंग। तो राइट आंसर होची हमरो ऑप्शन सी। नेक्स्ट हला कोउटा इनकरेक्टली स्पेल हेजी सेट वर्ड को हमें बाछिबा हेजिटेट हेजी हेस्टी ना हजार। तो राइट आंसर होची हमरो कोउटा कहार स्पेलिंग टा ठीक नहीं। तो राइट आंसर होची हेजिटेट। हेजिटेट रो कोन होता ना एच ई एस आई टी ए टी होता ओके एस एच ए होइ ना था। तो राइट आंसर होची हमरो ऑप्शन ए हेजिटेट एटा भूल अछि बाकी सब हेजी हेस्टी हजार एटा सब ठीक अछि। नेक्स्ट हला ए जो चारोटी ऑप्शन दै छी मियोपिक पैराडाइम एन फ्रैक्चुअस एवं डोरीफोर ए भीतर को कहार स्पेलिंग टा ठीक अछि। तो राइट आंसर कौन। तो राइट आंसर होची एन फ्रैक्चुअस हला एन फ्रैक्चुअस रो स्पेलिंग टा ठीक अछि हला बाकी सब मायोपिक हबनी एटा हबो मायोपिक हला मायोपिक माने जे दूर को देखि पारे नाही। ओके तापर पैराडाइम हबनी एटा पैराडाइम पी ए आर ए डी आई जी एम हो हला पैराडाइम तापर एन फ्रैक्चुअस ठीक अछि तापर डोरीफोर डोरीफोर तो ए बोलिया बने डी ओ आर वाई हो हला डोरीफोर। तो ऑप्शन सी होची हमरो राइट आंसर। नेक्स्ट हला कोट कहार स्पेलिंग ठीक नहीं चारोटी भितर फर्दर फर्दर फेबुलस ना फास्टिंग। तो राइट आंसर होची हमरो फेबुलस। फेबुलस रो स्पेलिंग कोन ना एफ ए बी यू एल ओ यू एस हुए हला फेबुलस। फेबुलस माने बहुत सुंदर कम फेबुलस कहूँ एफ ए बी यू एल ओ यू एस हुए फेबुलस। ओके बाकी सब फर्दर माने दूर जिनिस फर्दर माने आग को फास्टिंग माने उपवास। नेक्स्ट हला ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स हला माने 10 वर्ष रो गुटे गुटे 10 वर्ष को हमें कौन बोली कहू फोर्टनाइट सेंचुरी डिकेड ना मिलेनियम। तो राइट आंसर होची हमें गुटे दशंधि बोली कहू बा डिकेड बोली कहू हला 10 वर्ष को ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स को इंग्लिश हमें डिकेड बोली कहू छे। ओके फोर्टनाइट माने 15 दिन सेंचुरी माने 100 वर्ष एवं मिलेनियम माने गुटे 1000 वर्ष। ओके नेक्स्ट हला वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज माने जे दुईटा भाषा कही पारे ताको हमें कौन बोली कहू बायलिंगुअल ट्रिलिंगुअल मल्टीलिंगुअल ना मोनोलिंगुअल। तो राइट आंसर होची हमरो ताको हमें बायलिंगुअल बोली कहू ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके ट्रिलिंगुअल माने तीनोटी भाषा मल्टीलैंग्वेज माने दुईटा भाषा अधिक भाषा जे कही पारे ताको हमें मल्टीलिंगुअल कहू एवं मोनोलिंगुअल माने जे मात्र गोटे भाषा कही पारे ताको हमें मोनोलिंगुअल बोली कहू। ओके नेक्स्ट हला सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ए जो इडियम अछि फुल ऑफ हॉट एयर यार अर्थटा कौन बीइंग हॉट टेम्पर माने बहुत रागी जीवा बीइंग टू प्राउड माने बहुत गर्व करबा बहुत कथावार्ता करबा टॉकिंग टू मच ना टॉकिंग नॉनसेंस मा फालतू कथावार्ता हेबा। तो राइट आंसर होची हमर ऑप्शन डी फालतू कथावार्ता हेबा टॉकिंग नॉनसेंस होची हमर यार करेक्ट आंसर बा सटीक अर्थ फुल ऑफ हॉट एयर रो। ओके तो राइट आंसर होची हमर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हला हिट ए ब्रिक वॉल हला माने ब्रिक माने गुटे ब्रिक माने कोन ईटा गुटे ईटा रो कांथ को हिट करबा यार ए इडियम रो सटीक अर्थटा कोन फाइट ए पावरफुल फो हला
माने गोटे शत्रु सांगे युद्ध पावरफुल शत्रु सांगे युद्ध करिबा ना यूज फिजिकल फोर्स ना फिजिकल फोर्स को निजर व्यवहार करिबा ना गोटे ब्रिक वाल बा गोटे इटार कांथ को ध्वंस करिबा डिमोलिश करिबा ना नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस बा कोनोसी प्रोग्रेस न करिबा बा कोनोसी जिनिस करि न परिबा को आमे हिट ए ब्रिक वाल कहुचे। तो राइट आंसर होचे हमर ऑप्शन डी हिट ए ब्रिक वाल माने कोनोसी प्रोग्रेस न करिबा को आमे कहुचे हिट ए ब्रिक वाल नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट है आमर चेंज द स्पीच आम स्पीच चेंज करवा जब डायरेक्ट स्पीच रे अच्छी आम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करवा और इनडायरेक्ट स्पीच जब अच्छी इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच रे करवा। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़वा राहुल सेज दैट आकाश लव्स क्रिकेट मैं ये दैट जेहतु अच्छी यहाँ कौ भॉइस अच्छी सॉरी कौ स्पीच अच्छी इनडायरेक्ट स्पीच रे अच्छी। ओके मैं ये कौन कह राहुल सेज मैं राहुल कही आकाश क्रिकेट को भल पाए बोली है। तो ये तार एक्टिव भॉइसटा कौन हम देखो एक्टिव भॉइस रे कौन आम एक्टिव भॉइस रे फर्स्ट आम सब्जेक्ट हुए तापरे हेल्पिंग भार्ब आसे तापरे मेन भार्ब आसे तापरे ऑब्जेक्ट आसे। ओके किंतु हम एठी एटा कोन अच्छी पासिव वॉइस अच्छी पासिव वॉइस रे फर्स्ट कोटा अच्छी ना फर्स्ट अच्छी हमरो ऑब्जेक्ट रहइबो। ओके तापरे अच्छी मेन भार्ब सॉरी हेल्पिंग भार्ब तापरे रहिछि हमरो मेन भार्ब तापरे रहिछि ऑब्जेक्ट। तो हम एटा को एक्टिव रे करबा तो फर्स्ट हमरो कोन रहइबो राहुल सेज दैट जोटा अच्छी एटा जेहेतु प्रेजेंट सॉरी सिंपल प्रेजेंट रे अच्छी सेज द एज इट इज रहिबो सिंपल प्रेजेंट रे जोटा रहिबो सेटा जो भलिया थिबो सेय भलिया रहिबो। ओके तो राहुल सेज रहिबो जेहेतु आमे एटा को एक्टिव वॉइस रे नबा ताले कोमा आ उद्धृति चिन्हटा आसी जिवो दैट जागा रे हला। तापरे एठी आकाश जो भल पाई माने सिंपल प्रेजेंट रे ओचीरा जे जे भलिया आछि सेय भलिया एज इट इज रहिबो। तो राहुल सेज आकाश लव्स क्रिकेट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके सिंपल प्रेजेंट रे थिले जो भलिया आछि सेय भलिया रहिबो एज इट इज रहिबो। ओके बुझी पारथि आशा कोछि एटा नेक्स्ट हला हमरो तो यहाँ भी स्पीच को आम चेंज करवा व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज मैंने यहाँ गोटे केड़े बड़ा केड़े भयंकर झड़ अटे तूफान अटे स्टॉर्म मान तूफान टेरिबल मान भयंकर। ओके तो ही सैड है यहाँ कौ सेंटेंस ना यहाँ एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस जेहेतु अच्छी है। तो आम यहाँ कौ स्पीच रे अच्छी ना यहाँ एक्ट स्पीच रे अच्छी सरी एक्ट कौच सरी आम डायरेक्ट स्पीच रे अच्छी है यहाँ को इनडायरेक्ट करवा इनडायरेक्ट कले कौन हम ना इनडायरेक्ट कले फर्स्ट आम रोटा फर्स्ट आम रही हि सेड जोटा अच्छी सेड जेहतु यहाँ एक्सक्लामेटोरी सेन्टेन्स सेड जगह रही है एक्सक्लेम्ड है हि एक्सक्लेम्ड सबुरी अच्छी सब अपसन है। ये जो कमा जगह दैट लगे आम कंजक्शनटा है दैट आसो हि एक्सक्लेम दैट व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज मैंने यहाँ गोटे किड़े भयंकर झड़ बा तूफान अटे। ओके तो जेहेतु ये आम कौन लगी डब्ल्यू एच वर्ड लगे क्वेश्चन रे स्टार्ट होगा हला। तो यहीटा जेहतु आम इनडायरेक्ट करवा मैंने जनकर कथ अन्न जन जेहतु कौन यहाँ प्रेजेन्ट्रे अच्छी है यहाँ प्रेजेन्ट्रे अच्छी जेहतु ताको आम पास्ट करवा कहीं आम इनडायरेक्ट्रे करवा तो किड़े बड़ भयंकर झड़ थिला बोली जो कहूँ से आम अटे बोली जो कहूँ इट इज तो यही आम थे करवा तो कौटा हम ना इट व्वाज हम है हि एक्सक्लेम दैट मैं से एक्सक्लेम कला जे इट व्वाज ए टेरिबुल स्टम मैंने यहाँ गोटे टेरिबुल स्टम थिला बोली। ओके तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्वेन डीड दे फाइंड द मिस्टेक है यहाँ आम भॉइस को चेंज करवा यार व्वेन डीड दे फाइंड द मिस्टेक मैं से माने मिस्टेक केते बेले पाइले हला यार भॉइस चेंज करवा यहाँ आम एक्टिव भॉइस रे अच्छी एटा को आम पासिव करवा। ओके तो पासिव कले कौन हम ना फर्स्ट आम रोटा मैं जेहतु क्यूआज वार्ड अच्छी डब्ल्यू एच वार्ड है तो फर्स्ट से व्वेन। ओके व्वेन तापर डीड जो रही डीडटा सिंपल पास्ट जो रोचे यहाँ आम रही कौटा पास्ट प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस तो व्वेन व्वाज दि मिस्टेक फाउंड है जेहतु पासिव रे करवा बाय लगे कथा यहाँ बाय लगे भी चलो देखो व्वेन व्वाज द मिस्टेक फाउंड बाय देम है बाय देम खाली लगे देते भी होता। ओके तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ भी वॉइस को आम चेंज करवा कैन यू सेंड दिस पार्सल बाय एयर है पार्सलटा को आम ओके पार्सल को आम एयर मैंने कौन एरोप्लेन रे पठे पारिबा कि ओके से पचार क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जेहतु जेहेतु इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ है तो फर्स्ट आम कैन रहा मोडल भाग रहा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौटा कौटा दिस पार्सल कैन दिस पार्सल बी है बी रहा सेंड बाय एयर तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। ओके नेक्स्ट है फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस
द बेस्ट टीम इज आवर है यू आम गोटे वाक्य गठन करवा तो फर्स्ट आम ऑप्शन रु जी है ना फर्स्ट ऑप्शन रु जी आम देख फर्स्ट आम सब्जेक्ट कौटा हाँ सब्जेक्ट द हेनी बेस्ट हेनी आवर हो पार है तो फाइव लिखा आवर ओके आवर टीम हाँ आवर टीम इज द बेस्ट हाँ हो तो यहाँ जीवन फाइव थ्री फोर टू फोर वन टू है आवर टीम इज द बेस्ट है यहाँ हो गए कोहेरेंट सेंटेंस। नेक्स्ट है फाइंड द एरर पार्ट जो सेंटेंस अच्छे पार्ट्रे मैंने कौ पार्ट्रे एरर अच्छे यू कैन गेट मैंने आपपारे ऑल द इनफॉरमेशन मैं सब सूचना बा इनफॉरमेशन दैट यू वांट इन दिस बुक मैंने जोटा आप चाहते सही बही सब इनफॉरमेशन पाइपर कौ पार्टा एरर अच्छे यू कैन गेट इन दिस ऑल द इनफॉरमेशन दैट यू वांट ना कौन सी भी एरर ना तो राइट आंसर होमर कौन थी अच्छी ना दैट्रे अच्छे है दैट लगे कहीं देखो यू कैन गेट ऑल द इनफॉरमेशन दैट यू है यू वांट इन दिस बुक है मैंने आप चाहते से सब ये पारे है दैट्र कि मीनिंग आसुनी है तो ये जो यहाँ दैट लगे ना तो राइट आंसर होगी ऑप्शन सी गड़बड़ अच्छे एरर अच्छे। नेक्स्ट है आम साउंड ऑफ बीच मैंने महुमाछी साउंड को आम कौन भी कहे म्यू बज क्रिक ना क्राउड तो राइट आंसर होमें बीच र साउंड को आम बज बोली कहे बज बोली कहे बज बा हुम बोली कहे हम बोली है तो राइट आंसर होप्शन बी आशा करूँ भिडियो भल लगे थैंक यू।